नमस्कार दर्शकों, अमरोहा की आवाज में मैं हूं आपके साथ ऋचा वर्मा। पूरे उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। सभी प्रत्याशियों ने क्षेत्र में अपना दमखम दिखाना भी शुरू कर दिया है। वहीं शासन द्वारा वार्ड मेंबर की सूची जारी होने के बाद सभी प्रत्याशियों की सरगर्मियां तेजी के साथ शुरू हो गई है। सभी वार्ड के भावी प्रत्याशियों ने प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया है। वहीं शासन के निर्देश पर इस बार नगर पालिका परिषद अमरोहा क्षेत्र का विस्तार बढ़ा दिया गया है, जिसमें लगभग 45 गांव नगर पालिका में सम्मिलित किए गए हैं। वहीं वार्ड नंबर 3 भी नगर पालिका में सम्मिलित है। शासन की वार्ड सूची जारी होने के बाद वार्ड नंबर 3 को अनुसूचित जाति का आरक्षण प्राप्त हुआ है। वहीं विकास के मुद्दों को लेकर वार्ड नंबर 3 से पूनम रानी सभासद पद पर भावी प्रत्याशी के रूप में चुनाव के मैदान में आई है। वार्ड नंबर 3 से भावी प्रत्याशी पूनम रानी को इस बार क्षेत्र के लोगों का ज्यादा से ज्यादा सहयोग मिल रहा है। उन्होंने कहा कि जनता उन्हें अपना कीमती वोट देकर कामयाब बनाती है तो वह अपने वार्ड में विकास कार्य की गंगा बहाएंगी और प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे छोटी बड़ी योजनाओं का लाभ गरीब लोगों को भी दिलाएंगी। मेरा नमस्कार, मेरा नाम पूनम रानी है। पट्टी वार्ड नंबर 3 की सभासद हेतु मैं भावी प्रत्याशी हूँ। इस बार नगर पालिका क्षेत्र अमरोहा का विस्तार बढ़ा है और इसमें 45 ग्राम शामिल हुए हैं, जिसमें हमारा अकबरपुर पट्टी भी शामिल हुआ है को ऐसी का दर्जा प्राप्त हुआ है। गांव का विकास और सरकारों की सरकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए मैं चुनाव के मैदान में आई हूं। मुझे सपोर्ट करती है तो मैं जनता के साथ दिन रात उनके साथ हूं, उनके दुख सुख में साथ हूं, उनका हमेशा साथ दूंगी और अपने गांव का विकास करूंगी, विस्तार करूंगी, उनकी समस्याओं का समाधान करूंगी। और इसी के साथ देखते रहे अमरोहा की आवाज़।